रिया ने मार दिया शाना को सो से तमाचा और साथ ही दीदा का हाथ पकड़ के दीदा को मार दिया धक्का और पल्लवी ने निकाल दिया रिया को घर से बाहर, लेकिन रोक लिया प्राची ने और प्राची ने रिया के घर से जाने से पहले कह दिया रणबीर को रिया को डिवोर्स देने के लिए और कर दिया रिया ने रणबीर के डिवोर्स पेपर पर साइन और दे दी प्राची को उसके पेट में बच्चे को मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में प्राची के खिलाफ की रिया की पल्लवी के मुंह से बातें सुनकर कि मैं 9 महीने बाद प्राची के पेट में रणबीर के पहले बच्चे के जन्म के बाद प्राची को घर से बाहर निकाल दूंगी, तभी रिया यहाँ आने वाले 9 महीने तक प्राची के साथ कैसे बिताए यह सोचकर जारी होगी। उसी वक्त शनाय रिया के पास आ जाएगी और रिया को कहेगी, रिया मैं तेरे लिए शाना से लड़ रही थी लेकिन शाना की वजह से मेरी रणबीर ने बदनामी की। यह सुनकर जब रिया शाना के पास जाएगी और रिया शाना को प्राची की चमची कहकर शाना की बेइज्जती करेगी और शाना रिया को मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है रिया, तुम अब जल्दी इस घर से बाहर जाने वाली हो क्योंकि अब रणबीर हमेशा के लिए प्राची का हो चुका है और अब तो तुम्हारा साथ देने वाली पल्लवी आंटी भी प्राची की तरफ हो चुकी है और पूरा परिवार प्राची का हो चुका है, अब तुम इस घर से बाहर कचरे की तरफ फेंक दी जाओगे। तभी यह सुनकर रिया अचानक से शाना को जोर से तमाचा मार देगी और यह जोर से तमाचे की आवाज सुनकर तभी वहाँ पर प्राची दीदा आ जाएंगे। लेकिन जब दीदा रिया के शाना को तमाचा मारने के बदले दीदा रिया को तमाचा मारने के लिए जाएगी, तभी रिया अचानक से दादी का सो से हाथ पकड़ लेगी और दीदा को सो से सबके सामने धक्का मार देगी और पीछे से रणबीर और विक्रम तभी दीदा को संभाल लेंगे और विक्रम एंड रणबीर सो से चिल्लाकर गुस्से से रिया को कहेंगे, रिया तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी यह सुनकर और देखकर पल्लवी पूरे परिवार और रिया के सामने आएगी और रिया को चिल्लाकर कहेगी कि रिया आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, अब तुम बस इस घर में एक और हद पार कर दो, यहाँ से चली जाओ, गेट आउट। तभी यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तभी जब रिया पल्लवी को कहेगी कि आप तो मेरे साथ थे, आप मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, तभी जब पल्लवी जोर जबरदस्ती से रिया का हाथ पकड़ के रिया को घर से बाहर निकालने के लिए जा रही होगी, उसी वक्त पीछे से प्राची रिया को जाने से रोक लेगी और प्राची पल्लवी को कहेगी, मॉम रुकिए, रिया ऐसे ही घर से बाहर नहीं जा सकती, आज इसने जो हरकतें की है इसके लिए मैं अब खुद रणबीर को कहती हूँ कि रिया को तलाक दे दे क्योंकि ये रणबीर तो क्या इस घर के और ना ही किसी और के लायक है, रणबीर तुम इसे तलाक दे दो। तभी यह सुनकर रणबीर अपना सर हिलाते हुए हाँ कहेगा और अपने कमरे से नौकरानी से डिवोर्स पेपर मंगवाएगा, जहाँ पर जब घर की नौकरानी डिवोर्स पेपर लेकर आएगी और रणबीर उन डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा और रिया को कहेगा कि अब मैं कहता हूँ कि तुम भी इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तभी यह सुनकर रिया गुस्से से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी और प्राची के मुंह पर वही डिवोर्स पेपर मार देगी और प्राची को कहेगी, अब तो तुम खुश हो ना, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि मैं इस घर से जा तो रही हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगी और ये तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की खुशियों को मार दूंगे। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रणबीर खुद जोर से हाथ पकड़ के रिया को घर से बाहर निकाल देगा। और आप बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और रिया को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, और आपको रिया रणबीर की जोड़ी पसंद है क्या फिर रिया प्राची के, और दूसरी पुरानी जोड़ी अभी प्रज्ञा को आप कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं, यह सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।